एवरीवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिवाय के स्कूल में, क्योंकि शिवाय को अब बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्कूल में, तो इस वजह से मैं आजकल रोज़ शिवाय के स्कूल आ रही हूँ, और क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो रहा है। तो यस, सब थोड़े दिन में स्कूल में उसके साथ बैठेंगे ताकि वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। पहले वो नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, एक्चुअली ब्रांच चेंज हुई तो शायद उस वजह से ऐसा हो रहा है उसके साथ, क्योंकि इससे पहले वो कभी नहीं रोया। और तो मैं आ रही हूँ उसके साथ स्कूल, तो ये देखिए मैं शिवाय के स्कूल में हूँ अभी। दिस इज मी दीपाली, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आपके ब्लॉग में आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। क्या हो गया मुझे? ओके, तो शुरू करते हैं अपने आज के दिन को। अब हो रहे हैं 3 बजे और मैं अभी अपना ये हेयर वॉश करके आई हूँ, और क्योंकि सुबह सुबह नहीं हो पाता जल्दी जल्दी, कभी कभी जब हेयर वॉश करना पड़ता है मुझे, तो मैं अभी हेयर वॉश करके आई हूँ, प्रॉपर नहा करके आई हूँ। और नवरात्रि चल रही है, तो आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और तो चलिए देखते हैं आज क्या करने वाले हैं हम। आज हमें जाना है मंदिर दर्शन करने शाम को, तो आपको भी लेके चलेंगे जरूर से। और एक्चुअली मेरा जो ट्राईपॉड है, जो हैंड वाला, वो अभी मिल नहीं रहा है मुझे, मेरी मम्मी के शायद रह गया, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मुझे फोन पकड़ने में। तो फिर मैं बात कर रही थी कि चलेंगे आज मंदिर, और शिवाय को भी लेके जाना है। आज शिवाय स्कूल नहीं जा पाया था, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से नहीं जा पाया था। अब शिवाय को मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शिवाय के जो नोजी है वो उनको याद, एक तो वो बहुत आइसक्रीम वगैरह ये खाते रहते हैं, बीच बीच में इनको ठीक हो जाता है, लेकिन जब ये अपने मामा और मौसी लोगों से मिलते हैं तो फिर से इनका ये सब चीजें हो जाती हैं। और बच्चों के लिए थोड़ा मौसम हो भी जाता है, शिवाय को थोड़ी ठंड जल्दी ज्यादा भी लगती है, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, तो उसका कोई घरेलू इलाज हो या उपाय हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं करूंगी, वो भी कर लूंगी मैं। वैसे मैं एक बच्चों को शीतो पलारी चून आता है, मैं वो देती हूँ शिवाय को, और आप भी दे सकते हो, काफी अच्छा होता है। जैसे शिवाय को खांसी वगैरह आती है तो उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, छोटे बच्चों के लिए तो खासकर बहुत अच्छा होता है, खासकर इन दिनों में, तो आप दे ही सकते हो एक बार चम्मच में मिला करके। ओके, तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। तो ये देखिए शिवाय एज यूजुअल यहाँ पे अपना ये फोन देखने में जुटे हुए हैं, और आप सोच रहे होंगे वो कम्बल क्यों पड़ा है, क्योंकि हमारा जो ये जो घर है बहुत ज्यादा ठंडा करता है, हमें रात में भी ब्लैंकेट की जरूरत पड़ती है। तो अभी शिवाय क्योंकि ये इसको ओढ़ ओढ़ के बैठते हैं, इनकी आदत है। ओके, तो यहाँ पे अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे, सारी चीजें होने के बाद अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, और इसके बाद फिर मैं आपको आज एक चीज दिखाऊंगी, अभी थोड़ी देर में अभी मिलती हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी मेरे जो गिफ्ट्स जो मुझे मिले थे मेरे बर्थडे पे। मेरे बर्थडे पे मेरी मतलब मेरे भाई, मेरी बहन, इन लोगों ने मिलकर के मुझे 32 गिफ्ट्स दिए थे मेरे बर्थडे पे, क्योंकि इस बार मैं 33 का मतलब पूरा मेरा वो लग गया। ओके, तो मैं 32 की पूरी कंप्लीट हो गई हूँ, तो मेरा मुझे जो गिफ्ट्स मिले थे मैं दिखाऊंगी, कुछ थोड़े फनी है, कुछ बहुत अच्छे हैं, और कुछ मैंने खोल के यूज भी कर लिए हैं, तो मैं सारे गिफ्ट्स आपको दिखाऊंगी। और मेरी एक और सिस्टर है, उसने भी मुझे गिफ्ट दिया है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अपने गिफ्ट्स दिखाएंगे। गेम खेल रहे हैं, तो मैं और शिवाय अक्सर ये गेम खेलते हैं। शिवाय, हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? डायनासोर वाला, जिसमें कि मैं एक डायनासोर हूँ और शिवाय क्या है, शिवाय लोगों को मैं डायनासोर हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी शिवाय को कि जाके सबके इंजेक्शन लगा के आओ, ये बड़े हंस हंस के ये कहना चाहते हैं। तो देख रही हैं आप ये सब कहाँ चढ़ गए हैं, चलो जम करो जम। तो 2 मिनट मैं थोड़ा कमरा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये गेम खेलेंगे तो इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे क्लीन सरफेस करना पड़ेगा, ताकि ये वहां से लेकर के यहाँ पे ये जम करते हैं, जो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो शिवाय को वो गेम नहीं खेलना है, शिवाय का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, शिवाय कुछ अपना बहुत इंटरेस्टिंग अपने मोबाइल में देख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको वही देखना है। तो फिर मम्मा बात नहीं कर रही है, ठीक है?
ठीक, इधर देखो मेरी बात। ताशु ताशु मम्मा बात नहीं करेगी तुमसे। देखिए चलिए गेम स्टार्ट हो गया हमारा, तो इंजेक्शन तो दो। करके आएंगे और फिर अपना गेम कंटिन्यू करेंगे। मैं आराम से लेट के गेम खेलूंगी। तो अगर आपको भी कभी कभी थकान लग रही हो और अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा गेम वगैरह डायनासोर वगैरह पसंद हो या कोई भी चीज़ ऐसी पसंद हो जो आप लेट के इंस्ट्रक्शन दो और बच्चा करे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि आजकल बच्चों को इंगेज रखना बहुत बड़ा काम है। चलिए ये आ जाते तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं रात को मंदिर दर्शन करने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे अब हम ये दर्शन करने जा रहे हैं। तहरी मैंने आज के दिन बनाई थी, तो लौट के आकर के हम तहरी करेंगे खाएंगे। और ये देखिए ये मंदिर है, तो यहाँ पे अब हम दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे और उसके बाद हम दर्शन करते हैं यहाँ पे। फाइनली अब शिवाय सो चुके हैं और खाना वगैरह भी हमारा हो चुका है। तो ये देखिए अब शिवाय यहाँ पे सो रहा है। आज शिवाय बहुत ज़्यादा थक गया था, और अब शिवाय का ये है कि शिवाय का सो जाते हैं तो आप कितना भी कुछ भी करिए शिवाय उठने वाले नहीं है। और वो रहा माता की पूजा वगैरह हो चुकी है, और लड्डू गोपाल आपको नहीं दिख रहे होंगे, लड्डू गोपाल गए हैं मेरी मम्मी के यहाँ। तो समय गायब है लड्डू गोपाल जी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े दिन अभी पूजा नहीं होनी थी, इस वजह से लड्डू गोपाल जी मम्मी के यहाँ हैं। और मुझे लगाना है अभी रंग, यानी आलता लगाना है। तो ओके, क्योंकि मुझे दिन में लगाना भूल गई थी, मुझे इसलिए अभी रात में लगाना ज़रूरी है आज। आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत थक गई हूँ। तो क्या तो मिलेंगे कल एक नई सुबह एक नई उम्मीद के साथ। बाय बाय।